तो दोस्तों आज हमारे बीच हॉलीवुड के वो अभिनेता हैं जिन्होंने एक्टिंग की शुरुआत बिहार के एक छोटे से ज़िले से की और वो पहुंच गए हॉलीवुड। आप जानते होंगे कि उनका नाम है प्रभाकर शरण, देश के पहले ऐसे हॉलीवुड एक्टर जिन्होंने लैटिन फिल्म में काम किया है। प्रभाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज ये मौका मिला है आप लोगों के साथ रूबरू होने का, आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल, थैंक यू वेरी मच। प्रभाकर जी की पहले फिल्म थी इन द कन्फ्यूजन। प्रभाकर जी, इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी बताएंगे हमें? बिल्कुल जरूर बताना चाहूंगा। ये फिल्म लैटिन अमेरिका की पहली बॉलीवुड स्टाइल की फिल्म है और जिसमें पूरी टीम इंडिया से गई थी। इवन आशीष आरमोहन, जिन्होंने खिलाड़ी 786 अक्षय कुमार जी को लेके बनाया था, वो गए हुए थे। सुरेश बिसावेनी, जिन्होंने शादी में ज़रूर आना जैसे फिल्म में DOP का काम किया, वो गए हुए थे। सो लाइक दैट ऑल टॉप बॉलीवुड पीपल यहाँ से एक टीम गई थी और उनके साथ मिलके मैंने ये फिल्म वहाँ पे डायरेक्ट भी की और उसमें मैंने अभिनय भी किया और ये फिल्म वहाँ पे ब्लॉकबस्टर रही। इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट सीन मूवी ऑफ 2018। एंड बस यही बताना चाहूँगा आपको कि फिल्म बड़ी मेहनत से बनी थी और आपको पता है जहाँ यहाँ आपकी इंडस्ट्री है वहाँ हमारे यहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी नहीं और जो भी लोग थे उसमें कोई भी फिल्म जगत से जुड़ा हुआ नहीं था, तो इट वॉज वेरी हार्ड फॉर अस, बट देन ऑल्सो वी डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। हमने बहुत अच्छा काम किया और बहुत नाम कमाया, सिर्फ अपने लिए नहीं अपने देश के लिए भी। प्रभाकर जी, वर्ल्ड में बिहार एक बहुत छोटा सा राज्य है, उसमें मोतिहारी बहुत छोटा सा ज़िला है। वहाँ से निकलकर, बॉलीवुड से, देश से निकलकर आप हॉलीवुड में गए, ये सफ़र कैसा रहा आपके लिए और कितना स्ट्रगल रहा आपकी ज़िंदगी में? टू बी ट्रू, अगर आपको मैं बताना चाहूँगा, कल मैं बता रहा था कि स्ट्रगल वॉज लाइक पार्ट ऑफ माई फ्रेंडशिप। मैं मतलब स्ट्रगल जो था और नाकामयाबी जो थी वो मेरे दोस्त थे। हर जगह आपको पता है हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास इतनी सारी रिसोर्सेज होते नहीं हैं कि चलो अभी फिल्म बना दिए, 10 करोड़ रुपए लगा दिए, बना दिए फिल्म, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। और एकदम से सारा रिसोर्स को एक टेबल पे लाना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ना हमारा कोई बैकग्राउंड है, ना कोई जान पहचान है। तो खुद से मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी। इवेंचुअली हर एक प्रोजेक्ट एक स्ट्रगल ही आप कह लो, क्योंकि बाहर जाने के बाद आपको पता है लोग आमतौर पे काम करते हैं, जॉब करते हैं या जो भी, मतलब कोई भी इतना फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा जुड़ के बाहर जाता नहीं है। तो मैं अकेले जाके वहाँ पे मेरे को मेहनत करना पड़ा। खुद के पहले रहने खाने के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए थे और उसके बाद एक अच्छे से लाइफ स्टाइल को जीते हुए फिल्म बनाने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, आपको पता है। तो ये जो मेरी फिल्म है ये, इसमें टोटल हम लोगों ने 12 करोड़ इन्वेस्ट किया था। सो इट वाज अ बिग इन्वेस्टमेंट फॉर दैट इंडस्ट्री, वहाँ के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। तो रियली टू गेट ऑल दिस मनी, गेट ऑल दिस पीपल, सबको इंडिया से बुलाना, मोर देन 150 लोगों का क्रू था, तो इट वाज अ वेरी वेरी बिग हेडेक। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा बट बहुत खुशी हुई जब हमने फाइनल प्रोजेक्ट को देखा। देखिए, बिहार से ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो आज बॉलीवुड में अच्छा नाम कमा रहे हैं, तो आपने बॉलीवुड में कभी ट्राई किया कि नहीं? एग्जैक्टली हर कोई, आपको पता है हमारे यहाँ बिहार में या कहीं भी आप कह लो इंडिया में, हर बच्चा हीरो बनना चाहता है। तो मैंने भी कोशिश की थी जब बचपन में, मैं अपने पटना सेंट्रल स्कूल में मेरी पढ़ाई चल रही थी तो मैंने भी कोशिश की थी। मैं भी जाता था ऑडिशन देने के लिए, मैं जाता था अलग अलग जगहों पे फिल्म में ट्राई करने के लिए। बहुत बारी मैं बॉम्बे भी गया, बहुत जगह से मुझे रास्ते मिले नहीं। तो उसके बाद आपको पता है कि हर कोई उस स्ट्रगल में जाता नहीं है। बॉम्बे इज़ अ वेरी यू नो बिग इंडस्ट्री, तो हमारी कोई जान पहचान थी नहीं और मुझे उस समय मौका मिला लैटिन अमेरिका में अपने पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए और वहीं से मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ पढ़ाई करता हूँ तो आई कैन ऑल्सो ट्राई टू डू समथिंग विद माई फिल्म्स। तो मैंने अपनी वहाँ पढ़ाई भी परसू की और मैंने अपना करियर भी परसू किया। आप बिहार की हुआ जो एक्टिंग करना चाहते हैं, अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, कोई सलाह? मैं उनके लिए सबसे एकदम दिल से यही संदेश देना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ आपको आपका रास्ता खुद से बनाना पड़ेगा। अगर आप सोच के आते हो कि कोई चाचा, ताऊ, दादा, मम्मी, अंकल, भाई, एक्टर कोई हेल्प कर देगा, सो यू विल बी वेरी समबडी वेरी लकी, बिलीव मी। इस इंडस्ट्री में कोई किसी को ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाता है, ये नहीं कि वो लोग गलत होते हैं, क्योंकि हर किसी का इतना बिजी शेड्यूल होता है, हर किसी के लिए मौका इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि वो शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर मेहनत है,
तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई आपका रास्ता रोक नहीं सकता है, क्योंकि आज के दिन सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे इंडस्ट्री में आप देखिए, हमारे बिहार से जैसे आप बता रहे थे, इन लोगों ने इतना बड़ा नाम किया है, जो हमारे एक हैं, अभी मैं नाम भूल गया हूँ, बट आई सी मैनी पीपल फ्रॉम बिहार, दे आर डूइंग वेरी बिग इन बॉलीवुड. बड़े बड़े जो सुपर स्टार हैं, लोग उनको भी देखना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ से गए हुए हैं, जैसे नवाज हो गए, और भी एक दो एक्टर हो गए, मैं नाम भूल गया हूँ, पंकज त्रिपाठी जी हो गए, तो एग्जैक्टली, तो इन लोगों को लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं. क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि लोग उनसे कनेक्ट होते हैं, लोग देखते हैं कि यार ये मेरे जैसा दिखता है, मेरे जैसा बोलता है, ये तो हमारा ही आदमी है. तो इसमें ज़्यादा लोगों को खुशी मिलती है अपने आदमियों को बड़े पर्दे पर देखने के लिए. तो मैं सबको यही सजेशन दूंगा, मेहनत कीजिए और कभी भी भरोसा सिर्फ अपने आप पर कीजिए. गारंटी देता हूँ कि रास्ता आपको मिलेगा ही मिलेगा, और रास्ता देने वाले भी वही लोग हैं जहाँ आप रास्ता ढूंढने जाएंगे, लेकिन मेहनत आपकी होनी चाहिए. हॉलीवुड की अपकमिंग फिल्में कौन सी आपकी? अभी आई एम डूइंग टू प्रोजेक्ट. एक बहुत बड़ा बॉलीवुड का प्रोजेक्ट है विच आई कांट टेल राइट नाउ, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट. विथ हूम? आई कांट टेल, बिलीव मी, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट, मैं बोल नहीं सकता हूँ. बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर, आई कैन टेल, उनका नाम ही बॉलीवुड है, मैं ये बोल सकता हूँ. उनके साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है. और सेकेंडली, आई एम डूइंग बॉर्डर्स विदाउट लाइफ, जो कि हॉलीवुड की फिल्म है और 6 कंट्रीज़ में शूट होंगी. पटना में भी शूट करने जा रहे हैं और पंजाब में भी शूट करने जा रहे हैं, और उसके बाद बाकी के 6 देशों में हम उसको शूट करेंगे. बीइंग एन एक्टर, आप हॉलीवुड में किसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं एक्टिंग के क्षेत्र में, एक्टर और एक्ट्रेस में? टू बी ट्रू, बींग एन एक्टर, आई एम ऑलवेज अ फिटनेस फ्रीक. सो कोई भी अगर एक्टर अगर फिटनेस से जुड़ा हुआ है, तो इट डजेंट मैटर कि हम कोई बड़ा नाम ले लें कि भाई हम तो ब्रैड पिट को लाइक करते हैं, तो हम तो इसको, कोई भी अगर फिटनेस से जुड़ा हुआ अगर एक्टर है, तो मैं उसको देख के इंस्पायर्ड हो जाता हूँ. मैं उसको देख के इसलिए इंस्पायर्ड होता हूँ कि हमारे बिहार में भी अब तो फिटनेस बहुत ज़्यादा चला हुआ है, एवरीबडी वांट्स टू गेट फिट. तो मैं चाहूँगा कि यू नो, किसी से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने आप को अच्छा बनाइए, आप खुद अपने आप को अपने ऊपर मेहनत कीजिए, एंड यू कैन बी एग्जाम्पल फॉर एनीबडी एल्स. और बॉलीवुड में? बॉलीवुड में यू नो, एवरीबडी इज़ वेरी बिग. टू बी ट्रू, टू बिकम अ बॉलीवुड एक्टर इज़ नॉट ईजी. हॉलीवुड में आप जाते हैं, आपको एक्शन आना चाहिए तो आप एक्शन स्टार बन गए, आपको ड्रामा आना चाहिए तो आप ड्रामा स्टार बन गए. बट हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स, दे आर वेरी बिग, बिकॉज उनको डांस आना चाहिए, एक्शन आना चाहिए, एक्टिंग आनी चाहिए, बहुत चीज़ों को लेके वो जाते हैं, जब उस लेवल पे पहुंच पाते हैं. तो मेरी डीप रिस्पेक्ट है सबके लिए. टू बी ट्रू, मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने भोजपुरी फिल्में भी की हैं? नो, आई हैव नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी. एंड फिल्म की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, आई हैव दिस बिलीव इन मी, कोई भी फिल्म की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, फिल्म इज़ अ यूनिवर्सल थिंग. आप देखिए बाहुबली, आज 1000 करोड़ का बिजनेस किया उसने, तो क्या लैंग्वेज है उसकी. तो सेम मेरे को कभी अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, लेकिन जो मैं बॉर्डर्स विदाउट ऑफ लाइफ बता रहा हूँ, उसमें भोजपुरी 100% यूज़ होगा. थैंक यू. आप बिहार के दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? व्हाई नॉट, आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी, यू नो, वॉच दिस चैनल ABC, और ज़रूर देखिए इसको. और बताना चाहूँगा कि देखिए, यूथ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, देखिए मैं बाहर रहता हूँ ना, तो मैंने आज तक कोई ऐब किया है ना, मैंने आज तक कभी कोई गलत काम किया है. मैं भूखा ज़रूर रहा हूँगा, लेकिन कभी भी गलत काम की तरफ मेरा कोई योगदान नहीं रहा है. तो उसी का आज नतीजा है कि आज आपके लोग यहाँ आके और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं. तो आप भी इंस्पायर्ड होइए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए. और एवरीबडी इज़ यूनिक इन दिस वर्ल्ड, हर कोई, हर व्यक्ति, हर इंसान इस वर्ल्ड में यूनिक है. सो यू जस्ट नीड टू कम आउट ऑफ योरसेल्फ, और आप अपनी यूनिकनेस को दिखा सकते हैं. थैंक यू प्रभाकर शरण जी. तो हमारे साथ है प्रभाकर शरण, जो आज एक जाना माना नाम बन चुके हैं, और इन्होंने सही कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करिए और मेहनत आपका रंग जरूर दिखाएगी. अजय भारत के लिए मंजुल मंजरी की रिपोर्ट. कॉलेज में कैसे तुम्हें उठाकर मैंने प्रपोज किया था. जब खुशियों की कम होने लगे स्पीड, तो काम आए एजी स्पीड. जिंदगी की कभी कम ना हो स्पीड, हमेशा साथ रखिए एजी स्पीड. दर्द भगाए फुल स्पीड.